नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है सिद्धेश्वरी स्टड फॉर्म के पार्ट टू के अंदर। और आपने भाई पार्ट फर्स्ट के अंदर देखी थी लक्ष्मी घोड़ी, और जिसके साथ में भाई गोल्डन रॉक की बहुत ही बेहतरीन बच्ची। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप पार्ट फर्स्ट जा कर के देख सकते हैं। और वो बच्ची मेरे को पसंद आई तो मेरे को लगता है कि आपको भी पसंद आएगी। तो जो लक्ष्मी ने जो लक्ष्मी दी है वो आप पार्ट फर्स्ट में जाके देखना है ना। बाकी हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर दो घोड़िया इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर, अगर मैं बात करूं अभी हमारे सामने जो घोड़ी खड़ी हुई है, क्या नाम है इसका? उसका नाम श्यामली है भाई साहब। श्यामली? हाँ जी। और श्यामली की उम्र क्या है? उसकी करीबन 10 साल से ज्यादा की उम्र। 10 साल से ज्यादा है। हाँ। और अगर हाइट की बात करें तो वो भी 62 के करीब है। 62 के करीब है। हाँ। और बाप? बाप उसका वनराज घोड़ा करके था, बाग में उसकी बेटी है ये डायरेक्ट। और मार्किंग क्या है? उसके माथे पे एक टीका है और पीछे के दो पांव सफेद है। टीका और दो पैर सफेद। हाँ। तो कहाँ से लेके आए घोड़ी 10 साल की? मुझे लगता है आपका शौक लगे हुए 1-1.5 साल हुई है कि कमी हुआ है? ना, शौक लगे तो हुए, टोटल तो 4 साल हो गए। तो 3 साल से घोड़े रखे। तो 10 साल की घोड़ी कहाँ से लाए फिर? ये घोड़ी अपनों ने वापस वो रोहित भाई ने दिलवाई थी, वो कनु भाई के पास खड़ी थी, उनके पास से अपने लेके आए थे। यानी वहाँ पे खड़ी हुई थी, फिर वहाँ से लेके आए? वहाँ से लेके आए अपने। तो ये पहले पता करा गया कि बच्ची वगैरह कैसे क्या दिए या कितने बच्चे? इसका एक बच्चा आप लोगों ने देखा हुआ है, वो पंच कल्याण बच्चा था इसके। बच्ची थी पंच कल्याण बच्ची। तो अपने पास फोटो है उसकी? हाँ, उसकी फोटो है, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। बिल्कुल। बाकी अगर हम बात करें अभी इस आपके फार्म पे आने के बाद में, आपने प्रेग्नेंट कराई कि पहले से ही है? ना, मैंने लाई थी तब से ये प्रेग्नेंट ही है। अच्छा, आप लेके आए तब से प्रेग्नेंट है। तो किस घोड़े से प्रेग्नेंट है अभी? ये पिनाकिन भाई का घोड़ा है यहाँ पे, उससे प्रेग्नेंट है। पिनाकिन भाई का? हाँ, जंगराल में है ना इनका फार्म। हाँ, वहाँ उस घोड़े से। तो कितने महीने की प्रेग्नेंट है ये? ये अभी इसका करीबन 10वां महीना चल रहा है। तो यानी कि अगले महीने में आ जाएगा है ना, थान दे देगी? या महीने में या अगले महीने में थान दे आ जाएगा। तो अगर जैसे बात करें घोड़ी के अंदर, क्या आपको लगता है जैसे वनराज लाइन की घोड़ी है, और मेरे को लगता है कि जो पुरानी ब्लड लाइन की घोड़ियाँ हैं तो उनके बारे में तो मेरे को लगता है कि किसी को बोलने की जरूरत है नहीं। ये अपने लाए इसलिए कि इसका बच्चा देखा था पहले, तो इसके रिजल्ट दो बच्चे थे उस वहाँ पे, एक तो बच्ची थी, उससे पहले भी एक बच्चा रह चुका है। ये राइडिंग की भी अच्छी घोड़ी है, खैर राइडिंग भी अच्छी करने देती है। और जो मैंने इसका पेट, इसकी लंबाई, अपने को हाइट की घोड़ी मिल रही थी, लंबाई मिल रही, और कुमेत तेलिया कुमेत कलर भी पक्का कुमेत है इसके अंदर, तो उस हिसाब से अपने को पसंद आ गई तो अपनों ने घोड़ी ले ली थी। तो जैसे राइडिंग वगैरह करते हो क्या? कभी कभार कर लेते हैं, अभी तो ये प्रेग्नेंट है तो अभी तो नहीं करते, बीच बीच में कभी फार्म पे आते हैं, शाम को बैठे होते तो कर लेते हैं। तो कितने टाइम करते हो राइडिंग? राइडिंग मतलब कि वीक में एक आध बार तो कर ही लेते हैं आराम से। हाँ, और अगर जब दोस्त ने सब आते हैं और अगर कहीं जाना है तो फिर आराम से निकल जाते हैं, तो 8-10 किलोमीटर की राइड कर लेते हैं। तो आपके यहाँ कच्चा रास्ता वगैरह है? ना, यहाँ नहीं है, वो जाना पड़ता है यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर। अच्छा, वहाँ पे करने जाना? वहाँ करने जाना पड़ता। घुड़िया वगैरह सब भर के? हाँ, वो तो ले जाते हैं भर के, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं आती? हाँ, वो तो भर के ले जाते हैं। तो जैसे भाई साहब घोड़ों में शुरुआत में जब आप आए होंगे, तो आप जैसे कि ये फार्म बनाए हुए कितना टाइम हो गया अपने को, ये वाला फार्म जहाँ पे अपन बैठे हुए? ये फार्म बनाए होने को आया 1.5 साल। 1.5 साल? हाँ। यानी कि एक तरीके से बोले तो नया ही है? नया ही, एकदम नया फार्म। तो अगर बात करें तो शुरुआत में क्या तकलीफें आई जब? हाँ। नए थे, घोड़े रखने की शुरुआत करी होगी तब? देखो, पहले तो क्या हुआ कि अपने घोड़े लेने गए, अपने को समझ जरा भी नहीं थी। अच्छा, कुछ भी नहीं समझ में आता था ना? मतलब राइडिंग का नॉलेज था ये, तो इसका तो पता ही नहीं चलता था कि इसके अंदर भौरिया इतनी है, वही पता नहीं चलता था। अच्छा, तो वो देखा, फिर क्या धीरे धीरे अपने टच उड़ के कहीं किसी के जलावे में नहीं आए, अपने को अच्छे इंसान सबसे पहले से मिल गए। अच्छा, कोई अपने साथ अनहोनी नहीं हुई अभी तक, टच उड़ इतना अच्छा है कि कभी कहीं अनहोनी नहीं हुई। चाहते हो अनहोनी हो? ना, वो चाहते भी नहीं, आपके वीडियो में बहुत देख ली अनहोनी। अनहोनी का भी एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। वो क्या, चलो भगवान करे आपके साथ क्या, मेरे को लगता है किसी भी हॉर्स लवर के साथ ना हो। वो क्या भाई, मैंने एक चीज देखा, आप अगर पूछ के चलते हो तो अगला आपको सलाह देता है, तो वो ऐसा नहीं, आप ऐसा डाउट मत रखो कि उसके लिए सलाह दी, वो अच्छा ही है, अपने लिए दे रहा है सलाह। आप 2-4 दोस्त अच्छे घोड़ों में पुराने, उनके साथ दोस्ती करो, वो रखो, आप दिल से बातें करेंगे, वो आपको अच्छी बातें बताएंगे कि ऐसा ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल। तो जानवर खरीदते टाइम भी वो गाइडेंस मिल गया तो निकल गए, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो वो मेरे लगता है कि एक आदमी अगर हो जाता उठा पटक तो थोड़ा बहुत शौक पे फर्क पड़ जाता है। हाँ, वो है, तो उस हिसाब से शौक भी अभी तक ऐसा ही रहा कि कोई टेंशन नहीं आया बीच में। वैसे घोड़े वालों से कितना ज्यादा लोगों से कांटेक्ट है कि कम से ही लिमिटेड? बहुत कम लोगों से पहचान है अपनी,
क्यों सबों से नहीं करनी पहचान अपने को? वो क्या काम के वो उसमें फंसे रहते हैं पूरा दिन, तो शाम को अगर फ्री होते तो यहाँ आ जाते हैं। और हमारे क्या चार पांच दोस्त है घोड़े वाले, वो उनसे बातें होती रहती है, उनसे बातचीत होती रहती है। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे अपने पास में जो घोड़ा घोड़ी है उनका रूटीन क्या रहता है, और जैसे कि खाने पाने में क्या देते हो, दाना पानी वगैरह या प्रोडक्ट वगैरह कोई देते हो? हाँ जी देते हैं, प्रोडक्ट भी देते हैं। खाने में तो देखो मूंगफली का चारा जो सभी डालते हैं वो नीरा वोडर डालते हैं, दाना वो देसी दाना ही देते हैं। हाँ एडवांस करते हैं, यूनिकॉर्न करके ऑयल आता है डॉक्टर साहब का, आशीष भाई का। हाँ हमारे डॉक्टर साहब हमारे मित्र है, वो भी बुकिंग करवाना पड़ता है, उनके लाइन चालू ही रहती है। लोकल वालों को नहीं है क्या? ना ना उनका क्या है, काम अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छी है, तो लोग ज्यादा लेने वाले हैं, तो हमको भी कॉल करके एक बार बुकिंग तो करवाना पड़ता है कि डॉक्टर साहब हमारा भी स्टॉक रखना एक बार। तो एक वो ऑयल दे देते है, फिर कोई प्रॉब्लम है तो शैम्पू उनका ही यूज करते है, स्प्रे नहलाने के लिए शैम्पू, वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाए। स्प्रे भी अगर कहीं खुजली बुजली है तो वो स्प्रे भी अपन डालते रहते हैं। फिर उन्होंने एक लिकिंग ब्लॉक्स बनाए थे, वो घोड़ा लिक करके खाता रहता है, नमक वाला। हाँ नमक वाला, तो वो भी अपने चालू थे, तो ये सब चीजें डालते रहते। तो प्रोडक्ट से कुछ फर्क पड़ा क्या ऐसे ही? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कितना फर्क पड़ा मतलब? यानी प्रोडक्ट देने से पहले क्या था और घोड़े घोड़ी और प्रोडक्ट देने के बाद में क्या हुआ? देखो अगर ब्रेड मेड्स की बात करता हूँ तो ऑयल डालने से क्या है, उनकी जो अतीय रेगुलर हीट साइकिल ने वो सब रेगुलर होनी चालू हो जाती है। फिर अगर बच्चों की बात करो तो वो ग्रोथ में अच्छे रह रहे हैं, तो ये तो अपनों ने इस्तेमाल किया, ये बच्ची 17 महीने से खा रही है तो अपने घर पे ही अपने को आपने इस्तेमाल किया, फिर विश्वास किया। हाँ अपनों ने इस्तेमाल किया है, 17 महीने से चालू है अपने, और अपने सारे जानवरों में चालू है, ऐसा नहीं कि एक दो में चालू है, सभी में चालू में। सुम की इश्यू नहीं आते, टच वुड कॉलिक का इश्यू नहीं आता कभी। और मेरा लगता है जब भी आपके सारे जो घोड़ा घोड़ी शाइन लेते हैं, सेहत अच्छी है और सब शाइनिंग करते हैं, वो चमक मार रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अभी एक प्रोडक्ट और भी बनाया है, वो भी अभी लॉन्च करेंगे, वो भी प्रोडक्ट बहुत सही चल रहा है, अपनों ने तो एडवांस ट्रायल चालू कर लिया था। चलो फिर देखो यार, ऐसे कहते हैं कि देखो हर हॉर्स लवर अपने घोड़ा घोड़ियों के लिए अच्छा ही सोचता है। कोई चीज अगर बुरी होगी तो मेरा लगता है घोड़े वाला बिल्कुल नहीं देगा। अगर आप अच्छी इसलिए बोल रहे हो, अगर नहीं होती और आपके घोड़े में मेरे को लगता है कि फर्क नहीं होता तो आप बोल नहीं पाते फिर। वो सीधी सी बात है, क्योंकि क्या कोई आपका वीडियो देख के अगला भी गलत बोल देंगे तो सामने वाला के किसी का बुरा तो कोई नहीं चाहेगा, कि सबके घोड़ा घोड़ी सबको पसंद है। बिल्कुल, तो ये प्रोडक्ट अपनों ने यूज किए, सबसे अच्छे चल रहे, तो अपने अभी भी रूटीन यूज चालू है इनका। तो अगर भाई साहब बात करें, अभी हमारे सामने एक और घोड़ी खड़ी हुई, इसका क्या नाम है? ये केसर करके घोड़ी है मेरी। केसर? हाँ। और क्या उम्र है केसर की? केसर होगी 7 साल, 6-7 साल की। 6-7 साल की। और हाइट क्या कहती है? हाइट इसकी 60 पकड़ लो। 60? हाँ, उससे कम होगी, ज्यादा नहीं है। और बाप? बाप इसका राज करके घोड़ा था, रत्नागर का, वही उसके बाप है। बाप किसी एरिया का था ना वो घोड़ा? हाँ, इसी एरिया का घोड़ा है, मैंने घोड़ी भी यही नजदीक से ही ली है, और उसके वहाँ ही पैदा हुई थी। ओके। जिस बंदे के पास से अपने लेके आए थे, जैसे काका करके थे, उनके पास से ही लेके आए थे, उनके घर पे ही पैदा हुई थी। बाकी मार्किंग में? मार्किंग में इसके 3 पाँव सफेद है, मतलब 2 पाँव पीछे के सफेद है, आगे एक हल्का जवाब है, और माथे पे बड़ा पान है। बाकी मेरे को लगता है आपके पास में घोड़ियों का स्ट्रोक ज्यादा कराए हो। हाँ, 4 घोड़ियां रखी अपनों ने, और अभी 2 बच्चियां बड़ी कर रहे हैं। तो ये घोड़ी भी प्रेग्नेंट है क्या? हाँ, ये घोड़ी भी प्रेग्नेंट है, मनीष भाई का घोड़ा है, ये 3 महीने का ही प्रेग्नेंट है। 3 महीने की? 3 महीने की। तो यानी कि अभी तो इसका बच्चा आने में टाइम दे रहे। उसका क्या, पहले मेरे को लगता है शामली का आ जाएगा ना? पहले ये आ जाएगा। तो क्या सोचा है, क्या सपने? क्योंकि देखो मेरे को लगता है कि जो बच्चा आता है, हाँ, वो एक नया आदमी हो या ब्रीडर हो, उनका सपना है। तो सपना कैसा सोचा है, कैसा आवे? देखो आएगा तो वो ऊपर वाले के हिसाब से, पर अपन भी कुछ सोच तो होगी ना कि भाई कैसा आना चाहिए घोड़े में। देखो हर बंदा जब सोचता है तो वो तो अच्छा ही सोचता है, कि सब 100 क्वालिटी निकले, सब पूरा अच्छा मार्किंग ही निकले, देने वाला ऊपर वाला बैठा है, पैदा हो तो तेल का ही बचा दे। अपने को तो सब यही है कि पूरा पंच कल्याण आए, कि लक्ष्मी का, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही चाहिए, ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि ये आए हो। अपने को मेन ये रहता है कि घोड़ी आराम से थान कर दे, बच्चा फुस तंदुरुस्त आ जाए, वो बहुत है। हाँ, देने वाला ऊपर वाले के नसीब में, अपने नसीब में अगर है तो अच्छा बच्चा आना ही है। ये पहली बार घोड़ी लाई थी, पहली बार कवर करवाया था घोड़ा जिंदगी में, पहली बार, और पहली बार ही रिजल्ट लिया था, तो भी एक अपने अश्वप्रिया आई थी। अच्छा, ये बच्ची? हाँ, तो वो क्या, वो ऊपर वाले के हाथ में। बाकी हाँ, सोचा तो है कि अच्छा ही रिजल्ट आए, पीछे इसके पंच कल्याण रिजल्ट देखे तो अपने को भी ऐसा हो कि फैमिली का पंच कल्याण रिजल्ट ही आए तो अच्छा, यानी कि जो भी आए वो अच्छा आना चाहिए। और मेरे को लगता है
कि जो बेचारे नए आदमी अभी आ रहे हैं, जो बेचारे ईमानदारी से अपना बिजनेस कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि उनके घर पर लगभग 70-80% बच्चे अच्छे भी आ रहे हैं। हाँ वो है, क्योंकि ऊपर वाला भी देख लेता है, वो नियत देखता है ऊपर वाला। हाँ, कि गुड़ों की तुम दिल से सेवा करो, नियत से करो, तो फिर वो ऊपर वाला दे देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं देता। तो जैसे आप घोड़ों में टाइम देते हो, हाँ, तो घर वालों का सपोर्ट है कि नहीं है? पूरा सपोर्ट है। शुरुआत में था ना? शुरुआत में नहीं था। शुरुआत में क्या क्या देते थे? अरे क्या ये धंधे में ध्यान दो, ये क्या सब शौक पाल के रखे। फिर घोड़े जब से यहाँ आए, फिर पापा सुबह आने का चालू किया, वो भी पालमपुर से सुबह आते, बैठते थोड़ी देर, फार्म का ध्यान, फार्म का सब देखते, तो घोड़ों का भी देखते, आके देखते बैठते, तो अभी उन सबको शौक लगने लगा है धीरे धीरे। रिश्तेदार भी कुछ बोले क्या? रिश्तेदार तो मतलब कैसा है कि मेरे पूरे कुटुंब खानदान में मैं पहला हूँ जिसने घोड़े लाए। तो रिश्तेदार तो लगे चौंक गए होंगे के, मतलब कि अभी भी कई कई बार बैठे होते तो ताना ऐसा सुनने को मिल जाता है कि ये क्या ऐसे शौक लगा के रखे, ये सब क्या, अपने को अच्छा नहीं लगता। पर वो तो बोलते रहते हैं प्रदीप जी, वो तो अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे। रिश्तेदारों को पता नहीं तेरी दोनों किडनी बिक जाएगी, इतने में तो बयाना ही जाएगा ना। अपने पैसे कभी नहीं बोलते उनको? नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे अगर बात करें, वो क्या है, बहुत सारे जो नए लोग होते हैं इनको कोई मतलब नहीं, उनको ऐसा लगता है घोड़ा घोड़ी क्या 50,000-1,00,000 रुपए के होंगे। जैसे आज भी मेरे रिश्तेदार है, उनको पूछे तो क्या यार वो 50,000, उनको पता नहीं एक घोड़ा रख दिया तो पूरा गांव खरीदा हुआ जा रहा है। मेरे साथ स्कीम हो गई थी, एक बंदे ने मेरे को फोन किया, मेरा रिश्तेदार का रिश्तेदार था, अभी फोन किया शाम को, मैं ऑफिस बैठा हूँ आराम से, के घोड़ा आप शादियों में बेचते हो क्या आपकी घोड़िया? बड़ी कसम से लगी होगी। अरे कितना इज्जत फील हुआ ना उस दिन। मतलब कि ऐसा हो गया कि कैसे अननोन बंदे ने फोन किया, तो अपने कुछ उसको बोले भी, अभी ये पहचान में था, उसको प्यार मोहब्बत से फिर फोन खत्म करना पड़ा। मेरे लगा बेइज्जती बड़ी फील हुई। अरे बहुत गंदी बेइज्जती लगी थी यार। क्योंकि जिसने देखा नहीं है आके, उसको तो ऐसा है कि वो सफेद नुकरे घोड़े रख रहे हैं, तो वो तो शादी ब्याह वाला मामला है, उनको पता नहीं है मारवाड़ी घोड़े क्या है, क्या चीज है ये सब, तो वो तो बोल देते बेचारे फोन करके, फिर अपने भी हंसके निकाल देते कि इसको पता नहीं है तो क्या इसको समझाने बैठे। मैं लगा यार भाई लोगों को ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, किसी ने बेचारों ने इतना अपना लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, तुम क्या शादी बारात में बेचते हो क्या? तो वो उस दिन बहुत बेइज्जती लगी थी। हमारे पास भी फोन करते, प्रदीप भाई वो सूम बूम बनाते हो क्या आप यार? अरे बताओ यार, रात के 2 बजे सूम बनाने आओ तेरे घरे यार। पर चलो ऐसे भी लोग होने चाहिए, लगता मनोरंजन वाले। हाँ वो मनोरंजन हो जाता है। चलो उसने फोन नहीं करा होता तो आज आप वीडियो में बताते भी क्या? हाँ वो भी है कुछ, वो भी अपनी जगह ठीक है भाई, वो सही है, और हंसने के लिए एक मिला भी सही, ये ऐसा भी बोला था उसने। बिल्कुल। बाकी भाई लोगों आपने इस वीडियो के अंदर देखी भाई, 2 घोड़ी श्यामली और केसर, दोनों घोड़ियाँ प्रेग्नेंट है, भाई साहब का नंबर रहेगा। बाकी जो नए लोग हैं हमारे, हम उनको बोलते हैं कि भाई प्रेग्नेंट घोड़ी लो, प्रेग्नेंट घोड़ी लो, तो किसी भाई का अगर मन बने और भाई साहब की इच्छा हुए तो फ़ोन कर लेना, बाकी जो डील साल हो वो करके अपना बिरी। ओके थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, वो बोलना जरूरी है यार, फिर आदमी आपको फोन कर करके पूछे क्लियर कर दे। लोग कहते हैं प्रदीप भाई आप डील करा दोगे क्या उसकी, उसको पता नहीं अपना डील, अपना वीडियो बनाने के बाद डील डाल कुछ में आते ही ना। हाँ वो आती नहीं है कुछ। हाँ तो नंबर डाल दिया ना, ऑनर से डायरेक्ट बात कर। ओके थैंक यू भाई साहब।